हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स, चैप्टर है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर्स, चैप्टर 11 एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 6। आज का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस ट्यूटर को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और आपको हमेशा एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब जब हम कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11.26। अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ, तो वेवलेंथ दिया हुआ है, फ्रॉम अ 100 वाट मर्करी सोर्स, पावर दिया है, इरेडिएट्स अ फोटोशेल मेड ऑफ मॉलिब्डेनम मेटल इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल, फाई नॉट का वैल्यू दिया गया है स्टॉपिंग पोटेंशियल का, इसको न्यू नॉट भी कहते हैं। Estimate the work function of the metal. How would the photoshell respond to high intensity? Intensity दिया हुआ है, red light of wavelength, उस intensity का wavelength का value दिया गया है, produced by helium neon laser. तो चलिए start करते हैं 11.26। तो यहाँ पे जो वैल्यूज दिए गए हैं उनको लिखते हैं। सबसे पहला अल्ट्रावायलेट लाइट का वेवलेंथ दिया गया है, वो कितना है 2271 एंगस्ट्रम, हमने क्वेश्चन में मार्क भी किया हुआ है। उसके बाद इस एंगस्ट्रम को हम एंगस्ट्रम में नहीं लिखेंगे, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो इसे मीटर में कन्वर्ट किया जाएगा और ये कितना होगा 10^-10 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ मेटल कितना हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है, हो नहीं जाएगा, दिया हुआ है, वो कितना है 1.3 वोल्ट। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट वगैरह ये सब तो पता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब पता है, ये कॉन्स्टेंट्स है। अब फोटो एनर्जी का जो रिलेशन है वो क्या होता है, फाई नॉट मीन्स वर्क फंक्शन, फाई नॉट इज इक्वल टू क्या होता है एच न्यू माइनस ई मल्टीप्लाई बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये होता है रिलेशन, ये आप याद रखिएगा, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू इतना होता है, ये आपको याद रखना है बस। उसके बाद सम कुछ नहीं है, जस्ट वैल्यू पुट करना है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, प्लैंक्स कांस्टेंट कितना है 6.6 × 10^-34। ठीक है, उसके बाद न्यू कितना है, न्यू 3, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा कह सकते हैं, तो इसको हम लिख देंगे एच न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा कर देंगे ई और स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पे सी का वैल्यू बैठा दीजिए क्योंकि न्यू नहीं दिया हुआ है, तो हम सी बाई लेमडा के फॉर्म में इसको ए कर दिया, लेमडा दिया हुआ है, लेमडा का वैल्यू बैठा दीजिए, इतना हो गया। माइनस ई का वैल्यू, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है इतना, ठीक है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा कितना है 1.3। तो ये सारा वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद आपका आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10^-19 और यहाँ पे 2.08 × 10^-19,
इसको माइनस कर लीजिए तो ये हो जाएगा 6.64 इंटू 10⁻¹⁹ जूल, ये हो गया। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? 6.64 इंटू 10⁻¹⁹ अपॉन 1.6 इंटू 10⁻¹⁹, तो ये हो जाएगा 4.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो हो गया आपका ये हमने निकाल लिया फाई नॉट की वैल्यू, जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब हम लिख सकते हैं थर्सोल्ड फ्रीक्वेंसी को, मान लीजिए न्यू नॉट है, तो हम लिख सकते हैं वापस से फाई नॉट इजिकल टू एच न्यू नॉट, ठीक है। तो न्यू नॉट इजिकल टू कितना हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, न्यू नॉट इजिकल टू हो जाएगा फाई नॉट अपॉन एच, ठीक है। वैल्यू बिठा दीजिए, फाई नॉट की वैल्यू हमने निकाला है 6.64 इंटू 10⁻¹⁹, कहाँ से आया ये देखिए, हमने निकाला हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू डाल देंगे। अच्छा, एच की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 इंटू 63 होता है इंटू 10⁻¹⁾ है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 1.006 इंटू 10⁻¹⁵ हर्ज। ये अब वेवलेंथ ऑफ द रेड लाइट कितना दिया गया है, वेवलेंथ ऑफ द रेड लाइट कितना दिया हुआ है, 6,328 एंगस्ट्रम, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेड लाइट कितना हो जाएगा, सी बाय लेमडा, लेमडा रेड, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 6,328 मल्टीप्लाई बाय 10⁻¹⁰ मीटर, ठीक है। अब ये हमने बैठा दिया इतना, इसको कन्वर्ट कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, एसआई यूनिट में, तो 10 इंटू 10⁻¹⁰ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी। तो कैसे कैसे निकालेंगे हम, तो ये थोड़ा ये क्या है, इसको ऐसे लिखिए यहाँ पे, इसको इम्प्लाई यहाँ पे कॉमा दे दीजिए और इस इजिकल टू को हटा दीजिए सेमिकल, क्योंकि ये किस किसका वैल्यू है, ये तो हमने लेमडा का वैल्यू निकालना है, लेमडा रेड की वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, तो अब न्यू रेड की फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड, तो उसका वैल्यू सी की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लेमडा रेड की वैल्यू कितना है, 3,28 × 10⁻¹⁰। इसको सॉल्व कीजिए, 4.74 इंटू 10⁻¹⁴ हर्ज है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, न्यू नॉट जो है, न्यू नॉट कहाँ हमने निकाला है, ये है न्यू नॉट, ठीक है, और न्यू रेड कहाँ है, ये है।
तो न्यू नॉट बड़ा है न्यू रेट से, ठीक है। तो फोटोसेल जो होगा रेड लाइट को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो लेजर से जो रेड लाइट उत्पन्न होगा उस उनको रिस्पॉन्स नहीं करेगा। सिंस न्यू नॉट इज ग्रेटर देन न्यू रेड, therefore it will not, it will क्या photo cell will not respond to the red light produced by the laser। ये हो गया answer, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11.27। मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ दिया हुआ है 640.2 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस नाइन मीटर। फ्रॉम अ नियोन लैंप इरेडिएट्स फोटोसेंसिटिव मटेरियल मेड ऑफ सीजियम ऑन टंगस्टन। द स्टॉपिंग वोल्टेज इज मेजर्ड टू बी 0.54 वोल्ट। The source is replaced by iron source and its 427.2 nanometer line irradiates the same photocell. Predict the new stopping potential. तो नया stopping potential हमें निकालना है। चलिए इसको solve करते हैं। 11.27 तो हमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहला हमें दिया गया है वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट का वेवलेंथ दिया गया है। कितना दिया गया है 640.2 नैनोमीटर। इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए किसमें, मीटर में। 640.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर हो गया। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ नियॉन लैंप कितना है, V0 इज इक्वल टू 0.54 वोल्ट, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम हमारा वर्क फंक्शन और फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन होता है वो रिलेशनशिप इक्वेशन निकालना है। तो हम लिख सकते हैं E स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू E H न्यू माइनस वर्क फंक्शन। तो ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, लगभग सारे सम्स में ये यूज हो रहे हैं पिछले कुछ सम्स में, ठीक है। तो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको न्यू को हम सी बाय लैम्डा लिख सकते हैं माइनस ई और स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 6.6 एच का वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, माइनस 34 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸, उसके बाद अपॉन लैम्डा की वैल्यू 640.2 इंटू 10⁻¹, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ मल्टीप्लाई बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है,
स्टॉपिंग पोटेंशियल है 0.54, इतना हो गया। अब 3.093 इंटू 10⁻¹⁹ माइनस 0.864 इंटू 10⁻¹⁹ ये हो गया इज इक्वल टू 2.229 इंटू 10⁻¹⁹ जूल, ये हो गया। अब ये तो इतना जूल हो गया, अब इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻¹⁹ से डिवाइड कर देना है। डिवाइड कर दीजिए 1.6 इंटू 10⁻¹⁹ से, तो ये जूल हट के क्या हो जाएगा, जूल हट के इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ये करेक्ट है। तो यहां पे इसको सॉल्व कीजिए 1.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया आपका वर्क फंक्शन। अब नेक्स्ट में हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है वेवलेंथ दिया हुआ है आयरन सोर्स का, ठीक है। तो ये तो यहां पे निकाल लिए। अब आयरन सोर्स के लिए, आयरन सोर्स सोर्स आयरन सोर्स के लिए क्या है, वेवलेंथ दिया हुआ है लेमडा डैश, कितना दिया हुआ है वो है 427.2 नैनोमीटर, जिसको कन्वर्ट करके बनता है 427.2 इंटू 10⁻¹⁹ मीटर बनता है, ठीक है। अब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल, फोटो एनर्जी वगैरह का जो रिलेशनशिप इक्वेशन है उसको लिखते हैं, ई वी नॉट डैश, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग होगा, तो इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा माइनस वर्क फंक्शन, यहाँ पे लेमडा डैश होगा क्योंकि सोर्स अब आयरन है। तो इसे सेम फॉर्मूला है, उसको याद रखिएगा। अब वैल्यूज बैठाने हैं सिर्फ, तो वैल्यूज बैठा दीजिए। एच सी, एच का वैल्यू हो गया 10⁻¹⁴, सी की वैल्यू हो गई 3 इंटू 10⁸, अपॉन लेमडा की वैल्यू हो गई 427.2 इंटू 10⁻¹⁹, ठीक है। उसके बाद 2.229 इसकी वैल्यू हो गई इतना, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं 4.63 इंटू 10⁻¹⁹ माइनस 2229 इंटू 10⁻¹⁹। उसके बाद इसको लिखा जा सकता है ऐसे, इसको सब्सट्रैक्ट करके 2.401 इंटू 10⁻¹⁹ जूल। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो हम क्या करेंगे, इसको 1.6 इंटू 10⁻¹⁹ से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आयरन सोर्स के लिए, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सम है 11.28। अ मर्क्यूरी लैंप इज अ कन्वीनियंट सोर्स फॉर स्टडिंग फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी ऑफ photoelectric emission, since it gives a number of spectral lines ranging from UV means ultraviolet to red end of the visible spectrum.
In our experiment with rubidium photocell, the following lines from a mercury source were used. Lambda 1 itna angstrom, lambda 2 itna angstrom, lambda 3 itna angstrom, lambda 4 itna angstrom, and lambda 5 itna angstrom. The stopping potential respectively were measured to be V1 itna volt, V0 0.95 volt, V03.74 volt, V04.16 volt, and V05 is 0 volt. Determine the value of Planck's constant H, the threshold frequency, and work function of the material. ठीक है, तो ये तीन चीजें निकालनी हैं. तो कोई बात नहीं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 11.28. तो आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से हम स्टार्ट करेंगे. तो क्या है, ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच माइनस वर्क फंक्शन. ठीक है, तो हम इस पूरे को हम ई से डिवाइड कर देंगे. इसको याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है, मेन हर एक सम में यूज हो रहा है. अब पूरे को हम ई से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा वर्क फंक्शन अपॉन ई. ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1. अब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है. तो अलग अलग के लिए लैम्डा के लिए हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं. जो यहाँ पे चार पांच पांच लैम्डा दिए गए हैं, चार पांच डिफरेंट वेवलेंथ दिए गए हैं, तो फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए. पहला के लिए लैम्डा 1 कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ अपॉन 3650 × 10⁻¹. ये हो गया 8.219 × 10⁴ हर्च. ठीक है, उसके बाद न्यू 2 के लिए निकाल लीजिए सी बाय लैम्डा 2, 3 × 10⁸ अपॉन 4047 × 10⁻¹. इसका वैल्यू हो गया 7.412 × 10⁴ हर्ट्ज. न्यू 3 हो गया सी अपॉन लैम्डा 3 इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन 4358 × 10⁻¹. ये हो गया 6.884 × 10⁴ हर्ट्ज. इतना हो गया. आगे बढ़िए, न्यू 3 हो गया, ये न्यू 4, न्यू 4 इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा 4, दैट इज 3 × 10⁸ अपॉन 435. इसका वैल्यू है, लैम्डा 4 की वैल्यू, लैम्डा 4 की वैल्यू है आपका 5.493 × 10⁻¹. इसको सॉल्व करके आता है 5.493 × 10⁴. ठीक है, ये हर्ट्ज. उसके बाद न्यू 5 हो गया सी बाय लैम्डा 5, इसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ अपॉन 6907 × 10⁻¹. इसका वैल्यू हो गया 4, 3,
4 × 10⁻¹⁴ हर्ज, ये हो गया आपका, इनके वैल्यूज ऐसे हो गए। तो अब देखिए, यदि हम इसका चार्ट बनाएं तो क्या बनेगा हमारा, हम यदि यहां पे फ्रीक्वेंसी लें और स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी लेते हैं, ऑर्डर क्या रहेगा इसका 10⁻¹⁴ हर्ट्ज, इस ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी रहेगा, और स्टॉपिंग पोटेंशियल मान लीजिए वी जीरो है तो उसके पांच वैल्यूज है ना, तो ये पांच वैल्यूज का हम निकालते हैं तो कितना क्या क्या होता है। देखिए स्टॉपिंग पहला फ्रीक्वेंसी 8.219 है, ठीक है, तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, इतना है। फिर दूसरा है 7.412 है, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है 0.95 है। तीसरा थर्ड वन 6.884 है, तो इसका 0.74 हो गया, और 5.493 है तो इसका हो गया 0.16, फिर 4.343 है यहाँ पे तो इसका जीरो है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल्स तो आप ऑलरेडी आपको बुक में दिए गए हैं, तो वहां से सारे निकाल लिया। तो इसका यदि हम ग्राफ बनाएं तो यहां पे देखिए, हम इस फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारा कुछ ऐसा आएगा, ये ग्राफ आएगा। तो इस ग्राफ में हमें ये पता चल रहा है कि डी डी पॉइंट जो है वहां पे तो यहां पे डी पॉइंट का जो है फ्रीक्वेंसी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, ठीक है। तो यहां पे डी पॉइंट पे मींस लैम्डा 5 जो लाइन है उस पे कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड नहीं होगा करंट को स्टॉप करने के लिए, ठीक है, लैम्डा 5 के लिए। अब हम इसका स्लोप निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो स्लोप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्लोप को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम किससे रिलेट करते हैं, एम एम कहते हैं ना स्लोप को, तो ए बी अपॉन सी बी ये हो जाएगा। अब इसकी वैल्यूज बैठा दीजिए 1.28 माइनस 0.16 अपॉन 8.214 माइनस 5.493, ये इसका ऑर्डर हो गया 10⁻¹⁴14 है, तो इसका वैल्यू आ जाता है हमारा, और स्लोप ऑफ द इक्वेशन किसके बराबर होगा, एच अपॉन ई के, ठीक है, तो ये स्लोप एच अपॉन ई के बराबर होगा। इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 1.12 × 1.6 × 10⁻¹⁹ अपॉन 2.726 × 10⁻¹⁴ इज इक्वल टू 6573 × 10⁻¹⁴ जेएस, इतना के बराबर हो गया, ठीक है। अब वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल यदि हम करें तो ये हो जाएगा एच न्यू नॉट इज इक्वल टू, यदि हम इसको ज्यादा डिस्क्राइब करें मींस वैल्यू वैल्यू पुट कर दें एच का वैल्यू
माइनस 34 और 5 इंटू 10 टू द पावर 14, इनको यदि तो इसको सॉल्व करके आता है हमारा 286, 3.286 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लें तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा तो 3.286 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से डिवाइड कर दिया तो यह हो जाएगा 2.054 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यह हो गया आपका सॉल्यूशन। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और समाप्त करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे YouTube चैनल एक्सपीरियंस ट्यूटर को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इससे आप हमारे कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और आपको हमेशा एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब जब हम कोई वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। हमारे प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए आप लोगों का लाइक और वीडियो का शेयरिंग बहुत ही आवश्यक है। प्लीज हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आपका आज का दिन शुभ हो और आपको एग्जाम्स में काफी अच्छे मार्क्स आए, इन शुभकामनाओं के साथ हम लोग आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे कुछ नए प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को हेल्प करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।